हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो गाइस आज हम निकल गए हैं हमारे खेत में, क्योंकि यहाँ पर 48 घंटे से सतत बारिश हो रही है, तो हमारा रिवर भी पूरा भर चुका होगा और खेत में भी कितना पानी आया होगा तो सब हम देखेंगे। और गाइस हमारे साथ मेरे भाई और मेरे मॉम भी जुड़ गई है, ये आप देख ही सकते हो। और गाइज हमने साथ में छाता भी ले लिया है, ताकि यहाँ पर बारिश का बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हमने हमारी सेफ्टी के लिए छाता भी ले लिया है, दो छाते ले लिए हैं। तो गाइज अब हम जल्दी से हमारे खेत में पानी देखने के लिए जा रहे हैं, पानी मारने के लिए। पानी तो कितना भरा हुआ है पता नहीं, तो चलो गाइज बने रहेगा हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये मूंगफलियाँ बाहर निकल आई है, और ये मूंगफलियाँ वैसे रेडी हो गई है, आप देख ही सकते हो एकदम बढ़िया से मूंगफलियाँ रेडी हो गई है। वैसे तो गाइस ये कच्ची मूंगफलियाँ खाने का बहुत ही मजा आता है, कच्ची मूंगफलियाँ सेको तवे पे सेकते हैं और एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। तो गाइज यहाँ पर तो सारी मूंगफलियाँ वैसे तो एकदम रेडी हो चुकी है, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि अभी वो किसान इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो गाइज अब हम जल्दी से हमारे खेत की तरफ जाते हैं। सो गाइज ज़्यादा बारिश की वजह से एकदम मिट्टी की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ये सारे खड्डे हो गए हैं। वैसे तो आप देख ही सकते हो ये बहुत ही खड्डा हो चुका है ज़्यादा बारिश की वजह से, इस खेत में से पानी सारा यहाँ निकल जाता है, तो फिर ये यहाँ पर सारा खड्डा खड्डा हो जाता है, मतलब पूरा दोवान हो जाता है, ये आप देख ही सकते हो गाइज। यहाँ पर चलना भी काफ़ी मुश्किल सा हो रहा है, आराम से आना मॉम। तो गाइज ये सारे रास्ते की मिट्टी एकदम धुल के एकदम बहके यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एकदम बढ़िया सा रास्ता बन गया है एकदम, आप देख ही सकते हो। पहले तो यहाँ पर बहुत सारे खड्डे थे, लेकिन अब ये सारी मिट्टी यहाँ आकर यहाँ पर बस गई है, मतलब एकदम बढ़िया सा रास्ता बन गया है, आप देख ही सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं। तो गाइज अब हम पहुँच गए हमारे खेत में, और खेत में तो सारा पूरा पानी भर चुका है, बहुत दूर दूर तक पानी ही दिखता है। और गाइस हमने बहुत मेहनत की थी, सारे किसान ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सारे किसानों की मेहनत पानी में चली गई, आप देख ही सकते हो। कितनी उम्मीद से ये कपास उगाए थे कि कपास बड़े हो गए, इतना रू होगा, इतने पैसे आएंगे, कितनी उम्मीद थी सब किसान की, लेकिन सब पानी में चला गया। और गाइस ये मेरी मम्मी ने ही ये सारे कपास ऐसे वो क्या बोलते हैं बीज को बोए थे, और सब किसानों की उम्मीद थी। और आपको कैसा लग रहा है मम्मी, सब हो गया तो? दुख लग रहा है, बहुत ही दुख लग रहा है, वैसे तो दुख की बात है। और यहाँ पर वैसे तो पानी में मछलियाँ भी आ गई है, आई है ना मम? हाँ मछलियाँ भी आ गई है, और ये माछी मारो का तो बहुत ही मजा आ जाएगा, क्या बोलते हो मम्मी, माछी मारो को मजा आएगा ना? हाँ, क्योंकि उनकी तो सीजन आ गई, अब तो मछलियाँ खाएंगे और तंदुरुस्त मस्त रहेंगे। और गाइज यहाँ पर ये क्या आ गया है मम, ये गलका। ये यहाँ क्या बोलते हैं यार, तुरिया, गलका, ये गलका आ गया है यहाँ से, तना तना के यहाँ से गलका आ गया है, आप देख ही सकते हो। और गाइज ये बहुत बुरा हुआ, वैसे तो गाइज हमारे पापा और हम सब सोचते थे कि अब तो बारिश चली गई, अब तो बारिश कभी नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी एक डेढ़ महीने के बाद इतनी बारिश हुई, सिर्फ दो दिनों में इतनी बारिश हुई कि यहाँ तक पानी आ गया है। वैसे तो वो रिवर तक पानी था, लेकिन ये हमारा खेत है, पूरा खेत भर चुका है, आप देख ही सकते हो, इस बार तो बहुत नुकसान हो गया। और सरकार से उम्मीद है कि हमारे नुकसान की थोड़ी घनी भी भरपाई करें। तो गाइज हम जब छोटे थे
तो हमारी पूरी टीम, वैसे तो हमारे गांव के सभी लोग, सभी बच्चे यहां पर आके स्विमिंग करते थे। ये छोटा तालाब हो गया है, बहुत ही मज़ा आता था, आप देख ही सकते हो तालाब को। जब छोटे थे तब मतलब सारे बच्चे यहां आकर मिलके वो क्या बोलते हैं टायर में हवा भर के यहाँ पर तैरते थे, तैरना सीखते थे, स्विमिंग सीखते थे, बहुत ही मज़ा आता था। तो गाइज दो दिन के बाद थोड़ी धूप निकली है, तो धूप में सेकने का थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन दो दिन बहुत बारिश हुई लेकिन फिर भी धूप निकलने के बाद तुरंत ही गर्मी लग रही है। और ये भाई खेल रहे हैं, ये छाते से खेल रहे हैं, आप देख ही सकते हो, ये बहुत मज़ा आता है। अरे खेलो भाई, ये बहुत ही मज़ा आता है छाते से हॉल करना। और गाइस काफ़ी धूप लग रही है इसलिए हम जल्दी घर चले जाएंगे। तो गाइस दो दिनों से बहुत बारिश हुई है इसलिए इससे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा हो गया है कि जब समर आएगा, जब विंटर आएगा तब तक पानी रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एकदम सूखा सूखा हो गया था, वैसे तो डेढ़ महीने से पूरा सूखा हो गया था और दूर की डमरिया उड़ रही थी, एकदम पॉल्यूशन हो गया था, सारा पॉल्यूशन हो गया था गाइस। तो ये बारिश होने की वजह से फ़ायदा वो हुआ है कि एकदम शुद्ध एयर मिल रही है, एकदम पॉल्यूशन आउट हो गया है, पॉल्यूशन रिमूव हो गया है गाइस, और एकदम एनवायरनमेंट भी एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है, एकदम बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और एयर भी एकदम बहुत ही अच्छी आ रही है और ऑक्सीजन एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया है, बहुत ही अच्छी फील कर रहे हैं हम। वाह वाह, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है गाइस, प्योर ऑक्सीजन। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अच्छा ना लगा हो तो फिर भी लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।